हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष गोस्वामी और मैं आज आप सबको ऐसे बच्चों के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 5 मिनट में पढ़ के टॉप कर लेते हैं और हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वही 35, 40, 30 मार्क्स क्यों। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको वो सारे टिप्स बताऊंगा जो कि है वो टॉपर 5 मिनट में कर लेता है और वही चीज़ जो हम पूरे दिन भर में नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप सबको बताऊंगा ही कि टॉपर क्या करता है, लेकिन मैं आप उससे पहले आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप क्या करते हो जब आपके पास किताबें नहीं होती, यानी कि बुक्स नहीं होती, चाहे वो प्लेग्राउंड हो या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, तभी आप सोचते रहते हो एग्ज़ाम, पढ़ाई, और अब तो कुछ करना है भाई, अब तो कुछ करना है। और जब स्टडी का टाइम होता है तब ये सोचते रहते हो कि भाई प्लेग्राउंड में तो सिर्फ ना एक ही गोल करना था, लेकिन एक गोल भी नहीं कर पाए हम और हार गए, एक गोल से हार गए। और यही सोचते रहते हो कि यार लो अटेंडेंस है, ओफ प्रोफेसर जो है वो मार्कशीट देगा या नहीं देगा, पूरा क्वेश्चन मार्क, यही सोचते रहते हो भाई। जितना टाइम आप और सोचने में लगा दिया उतना टाइम पढ़ ही लेते। और फिर उसके बाद कॉल आता है फ्रेंड का, फ्रेंड बोलता है भाई एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, तू जल्दी आ। आप तुरंत फ़ोन उठाते हो, उठा के बात करते हो और सुन के क्या बोलते हो भाई कि ठीक है तू रुक मैं आ रहा हूँ। और फिर तब क्या होगा, सारी बुक्स बंद, पढ़ाई बंद, उधर ही सब कैंसिल और वहाँ से निकल पड़े आप। वहाँ पर पहुँचने के आधे घंटे के बाद फिर वही सोचना शुरू, बुक्स और वही एग्ज़ाम। वहाँ पर वही सोचते रहते हो करियर, भाई यार मेरे 40, 32 मार्क्स क्यों, वाई। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको इंग्लिश की एक कहावत बताता हूँ, सक्सेस एंड एक्सक्यूज डू नॉट टॉक टुगेदर। इफ़ यू वांट एक्सक्यूज फॉरगेट अबाउट सक्सेस, इफ़ यू वांट सक्सेस फॉरगेट अबाउट एक्सक्यूज। यानी कि यार आप जो पूरे दिन भर में सबको एक्सक्यूज देते फिरते हो, एक्सक्यूज, सो इन सबको देना बंद करो और सोचो कि भाई आप में और जो वो टॉपर है उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, सिर्फ एक, वही कि जो टॉपर है वो क्या सोचता है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस, एडमिशन एंड कॉलेज, नेक्स्ट के बारे में सोचता है। और आप क्या होगा अगर 10th की एग्जामिनेशन बाकी है और सोचो कि 11th में अच्छा स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर 12th हो तो सोचो कि कॉलेज अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, IP का फॉर्म भर देता हूँ, BCA का फॉर्म भर देता हूँ, CA बेटर रहेगा, भाई यही सोचते रहते हो 24 आवर्स। भाई सबके पास होते हैं, टॉपर के पास भी इतने ही होते हैं, लेकिन आपने उसमें से कुछ पाल रखे जैसे सोना, खेलना, तो उसमें से भाई कुछ आधे घंटे मतलब कुछ टाइम निकालो 4 से 5 घंटे और अपनी स्टडी पर लगाओ, 4 से 5 घंटे पढ़ो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। और अगर फ्रेंड्स आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। होसोम एजुकेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।